ये वाली बातें पूरी सेटल करने के बाद ही लड़की से पूछी जाती हैं। अब इन्हें क्या पता इस बात का? हाँ पापा। अरे बेटी तुम खुश तो हो ना? बहुत गुड। किरण बेटी तेरी सगाई के लिए कल पिंटू के घर वाले आ रहे हैं। तू कोई गड़बड़ तो नहीं करेगी ना? ना। अच्छा बेटी लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तू मुझे खाली ये बता दे कि तेरा किसी के साथ कोई प्यार व्यार तो नहीं चल रहा? हाँ रिश्ता तो टूटेगा ही, आगे के लिए भी बदनामी हो जाएगी, फिर कोई लड़का इधर का रुख नहीं करेगा। हाँ इसलिए बता दो बेटी, बता दो बेटी, बता दे बेटी। नहीं नहीं मेरा तो कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं। पापा प्यार क्या होता है? अब प्यार प्यार चलेगी? प्यार क्या होता है? प्यार अब तुम ही बताओ ना क्या करूं। ये एक बात बताइए मैडम, ये तोप सिंह जी और गंगा भाभी को इतना गलतफहमी क्यों है कि आप एकदम सीधा है? ए, मैं टेढ़ी हूं क्या? नहीं नहीं अपुन क्या बोलता है कि आपका जो ये इमेज उनके पास है ना, शायद इसी से ही कोई चक्कर चल जाए। भाई वो कैसे? अरे भैया गंगा भाभी ने भी लड़के वालों को ऐसा ही डिस्क्रिप्शन दिया होगा ना कि अपुन का लड़की बहुत सीधा है, एकदम गाय है। मुझे समझ में नहीं आता कि भाभी को गाय से इतना इमोशनल अटैचमेंट क्यों है। कल्चर कल्चर बाढ़ में गई कल्चर। अरे अरे कुछ बताओ ना, कुछ ऐसा बताओ कि वो लोग भाग जाएं। तुम लोग कुछ ऐसा क्यों नहीं सोचते कि सब लोग हक्के बक्के रह जाएं और वो पिंटू है ना मुझसे शादी की सोचे बिना ही भाग जाए। मैडम एक ही आइडिया है बस। क्या? एन पार्टी में जब सब लोग आपको पसंद कर रहे हो ना तो आपका प्रेमी आ जाए। कौन आ जाए? प्रेमी, और आपको भगा के ले जाए, सबको खरी खोटी सुना दे। हाँ सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और कोई सोच भी नहीं पाएगा कि क्या बोले। हाँ और तब तक आप दोनों उड़न छू, और फिर लड़के वाले टिकेंगे कहाँ? कमाल कमाल का आइडिया है। अरे हमारी हिंदी फिल्मों में ऐसा ही होता है। अरे एक मिनट अरे प्रेमी है कहाँ? हमें कहा पता? हाँ मैडम हमने क्या कभी आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया है? बोलो भैया हमने किया है क्या? ना 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 नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मैडम? क्या वाकई नहीं है? ना तो अपने काम करता है मैडम, टेम्परेरीली कुछ अरेंज करने का कोशिश करते। प्रेमी क्यों, कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। वाह 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 वाह, तुम्हारे वो जो प्रेमी जी हैं वो हेल्प करने के बाद भी प्रेमी ही बने रह गए तो। हाँ मैडम अनजाना लड़का होगा तो बाद में यहाँ वहाँ किससे सुनाकर हमें बदनाम भी कर सकता है, इसलिए प्रेमी ऐसा होना चाहिए जो शरीफ हो और हमारे भरोसे का हो। तुम कैसे रहोगे नौरंगी? हम यस यस मैडम, मैडम नौरंगी से सेफ प्रेमी अपन को किधर मिलेगा? हाँ। लेकिन क्या नौरंगी भैया सबके सामने फैल जाएंगे? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे नौरंगी? अब हम आपको कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं मैडम? यस मैडम, मैडम प्रेमी का अरेंजमेंट तो हो गया, अब आप अभी से गाय बन जाइए। क्यों? क्योंकि गंगा भाभी का शक नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ